मुजफ्फरपुर में मुखिया पति को मारी गोली। दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे मुखिया पति, तभी आए बदमाश और गाली गलौज करने लगे। बात बड़ी तो चला दी गोली। मुजफ्फरपुर में लाश पर से बताशा, फल चुनने वाले बच्चों को कर रहे साक्षर। 46 बच्चों से शुरू पाठशाला में आज 81 बच्चे। 3 अगस्त से होगी इग्नू की परीक्षा। जेल में 2 सेंटरों में एग्जाम देंगे कैदी। पटना में बनाए गए 21 सेंटर। 9 सितंबर तक चलने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। मुजफ्फरपुर में जैदपुर पब्लिक स्कूल की आयुषी प्रिया ने 12वीं में 95.6% अंक लाकर बढ़ाया विद्यालय का मान। मुजफ्फरपुर में प्रीमियर एकेडमी की अनुष्का राज ने 12वीं में 95% अंक लाकर लहराई परचम। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर के भानु व संस्कार ने 12वीं में 92.4% अंक लाकर लहराई परचम। मुजफ्फरपुर के मदर टेरेसा विद्यापीठ के 100% छात्र उत्तीर्ण। पुष्प रंजन व आदित्य कुमार ठाकुर ने लगाया 94.4% अंक। पटना में बालू के काले कारोबार में बड़ा खेल। बेनाम मुकदमा दर्ज कराकर अफसर चलते हैं दोहरी चाल। 30 दिन में पटना के 35 थानों में बेनाम मुकदमा। बिहार के बेटे अयांश की मदद को बढ़ रहे हाथ। मासूम को बचाने के लिए पटना के यूथ सड़क पर उतर मांगेंगे मदद। 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए जुटाएंगे पैसे। जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर भाग गया डॉक्टर। छपरा में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया। दाह संस्कार के वक्त हिलने लगा हाथ पांव। अस्पताल वापस लाया तो देखने के बजाय पर्ची फाड़ कर भाग गया, हुई मौत। गया में आशीर्वाद यात्रा के बहाने चिराग का शक्ति प्रदर्शन। बेलागंज से लेकर सर्किट हाउस तक निकाला रोड शो। रास्ते में हर महापुरुष के आगे माथा टेका। सिवान में टीकाकरण के लिए मारपीट। महिलाओं ने ही महिला टीकाकर्मी को पीटा, बाल पकड़कर पटका। अस्पताल के इमरजेंसी में भी घुसकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर में खुजली वाला पाउडर छींटकर महिला को बनाया निशाना। पैसे से भरा बैग लूटकर फरार। पटना में अपराधियों का तांडव। कुनाई चक में चीन छिनतई का किया विरोध तो अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली। पटना में जच्चा बच्चा की मौत पर सड़क जाम। निजी अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रख किया हंगामा। थाने से महज 500 मीटर दूरी पर भीषण चोरी। मुजफ्फरपुर में चोरों ने पहले कुत्तों को नशीला बिस्किट खिलाया, फिर ले उड़े 17 लाख के गहने। सीसीटीवी कार्ड डीवीआर बॉक्स भी ले गए। बिहार में एफआईआर करने में नहीं चलेगा टाल मटोल। एसपी डीएसपी और थानेदार के खिलाफ भी ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे लोग। पटना में सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर नर्सिंग स्टूडेंट्स का हंगामा। जान जोखिम में डालकर की कोरोना ड्यूटी, अब मानदेय के लिए देना पड़ रहा धरना। आज तक एक प्रमाण पत्र भी नहीं किया गया जारी। पटना के मेदांता अस्पताल में स्पुतनिक का दूसरा डोज लेने पहुंचे तेजस्वी। लोगों से भी की वैक्सीनेशन की अपील। विस्तारित भवन का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर मुजफ्फरपुर नगर निगम करेगा कार्रवाई। मलेरिया की रोकथाम को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही कोशिशें, बोले मंगल पांडे। प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा DDT का छिड़काव। पटना के अयांश को बचाने के लिए हर कोई आ रहा आगे। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की आर्थिक मदद। चीन में गया के स्टूडेंट की मौत। तियान जीन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 20 साल के युवक की मौत। बिजनेस स्टडी कर रहा था, सरकार से शव को गया लाने की मांग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ग्रस्त गांव के लिए वरदान साबित हो रही टीका वाली नाव। अभी तक 2000 लोगों को लगा चुकी है टीका। मुजफ्फरपुर की हमीदा के हौसले के सामने उम्र पड़ी छोटी। 90 साल की उम्र में दिया टीका। थाने के बाहर से 600 सेफ की बालू लेकर भागा माफिया। मुजफ्फरपुर में भी बालू माफिया सक्रिय। खनन पदाधिकारी ने अवैध बालू लदा ट्रक पकड़ कर पुलिस को सौंपा। पुलिस की लापरवाही से ट्रक लेकर भागा माफिया। अब फोन पर ले राजस्व विभाग का अपडेट। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को बनाया गया मोबाइल फ्रेंडली। अब रसीद कटाने से लेकर दाखिल खारिज तक हाथ में होंगी सारी सुविधाएं। मुजफ्फरपुर में तार गिरने से 1000 लोग प्रभावित। तेज आंधी आने के कारण गिरा हाइड्रेंट तार। 18 घंटों से जिले के कई इलाकों में नहीं है बिजली। अब पानी की समस्या भी हो रही उत्पन्न। पार्टी के विचार से इतर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने खुलेआम कह दिया, गाय और भैंस की गिनती हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह। आरसीपी सिंह ने छोड़ा पद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।